अस्सलाम वालेकुम, मैं अतार टीवी में आपको सबको वेलकम कहती हूँ। मैं बिस्मा आपके लिए एक बहुत इजी और फन लविंग रेसिपी के साथ आई हूँ। आज अतार टीवी में बिस्मा के साथ मज़ेदार कुकिंग में मैं आपको एग फ्रेड राइस बनाना सिखाऊंगी, जिसके अंदर जो वेजिटेबल्स वगैरह अपनी अपनी क्वांटिटी अपनी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से हम लेंगे, ठीक है। मेरे पास 1.5 kg राइस हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 शिमला फाइनली चॉप कर ली हैं, 2 गाजरें उसमें भी इस तरह से अच्छी तरह से, और 1 बंद गोभी चॉप कर ली, ठीक है। अब इन सब को फ्राई करते हैं और बताते हैं कि एग फ्रेड राइस में इनका क्या रोल है। चलें, अच्छा देखें, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए फ्लेम बिल्कुल लो है रख दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट एक छोटी सी टी स्पून जिसे कहते हैं ना, उसमें लिया, ओके। अब नेक्स्टली इसको उबाला आने देते हैं, मतलब पकने देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, ओके। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी गाजर जो हमने चॉप की थी, मिक्स कर लेंगे, मिक्स मिक्स में एक ना सारी। देखें इसे सोटे करेंगे 5 मिनट के लिए। हाँ, अदरक लहसुन के पेस्ट में तो कमाल इसकी खुशबू आती है, और आपको पता ही है कि अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी और मैं फ्राई हो रहा हूँ मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। करने से छोटे, अब इसमें हम अपनी शिमला ऐड कर देंगे। इन सब को हमने हल्का सा छोटे करना है ताकि जो एक इनका क्रंच है वो बाकी रहे। देखिए अब इस पॉइंट पे हम इसमें वाइट पेपर या ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून भर के, और नमक डाला है 1 टीस्पून लेवल का, मिक्स कर लेते हैं। बस अब इसे सॉफ्ट नहीं करना हमने इस पॉइंट पे। अब मैं इसमें डालूँगी गोभी, बस हमने ना इसको मैंने ये आधी गई थी, अब ये बाकी सारी मैंने इसमें डालेंगे। अब इसको और अच्छा देखें ये की ट्रिक है, बस ये वेजेस जो हैं वो सोटे हो चुकी हैं, मैं इसमें कोई सॉस अभी नहीं डाली क्योंकि मैंने नमक डाल दिया ना, अगर मैं इसमें कोई सॉस वगैरह और डालूँगी तो वो इसे ढीली कर देंगी। अब नेक्स्टली जो है, क्योंकि एग फ्रेड राइस हम बना रहे हैं तो एग को हम जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। एग फ्रेड राइस हैं और मैं यहाँ पर 24 अंडे लूँगी, यानी 2 दर्जन अंडों को मैं फ्राई करूँगी और फिर अपने राइस में मिक्स करूँगी। देखें तोड़ी जाए डाली जाए पैन में। 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे ये देखें, क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेक्ट किए? नहीं तो कीजिए। अब हम इस पे डालेंगे कलर, कहती हूँ मैंने तो अपने बाबा जानी से कह दिया हुआ है, वो जो पूड़ी बनाने के लिए बड़े बड़े से यूज़ नहीं करते हैं थालनुमा टाइप पकाने वाले, बड़े बड़े से नाम नहीं आ रहा मुझे। देखिए कैसे खूबसूरत सा बन गया। खैर वो मैं बता रही थी कि वो मैंने लेने हैं इनके लिए, ताकि उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेरे चाइनीज़ रेडी हों। चलें अब इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़े से प्याज ऐड करूँगी, 1/2 कप जितने हैं, हिला लेंगे एक बार फिर से। यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अच्छा आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, अगर जो है सीज़न में है छिल्ली तो आप इसमें वो भी ऐड करें, मुझे बहुत पसंद है राइस में
वैसे भी छली बहुत पसंद है। चलें अब हमने क्या करना है, इसमें अपने सॉसेज ऐड कर देते हैं। 2 टेबलस्पून जाएगी इसमें चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून जाएगा विनेगर, सोया सॉस गया 2 टेबलस्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, नमक ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, वेजिटेबल्स है ना इस वजह से। और इसमें अब हम डाल देते हैं वाइट चिली पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, और नोर का क्यूब डाला है मैंने 1। बस मुझे अब इसको निकालना है इसमें से, चलो जी बस जी ये हो गया मिक्स। यहाँ हमारे जो एग्स हैं वो भी अच्छी तरह से देखें हो चुके हैं फ्राई। चलिए अब असेंबल कर लेते हैं हर चीज़। देखें ये राइस जो है वो मैंने पहली लेयर लगा ली, अब उसके ऊपर मैं इस तरह से वेजिटेबल्स को लेयर बाय लेयर डेकोरेट कर दूंगी। खड़ी खड़ी जिस तरह कहते होते हैं ना सब्जी, उस तरह से रखनी है हमें। चलिए ये फर्स्ट लेयर हो गई, अब दोबारा से मैं इस पर राइस लेयर लगाऊंगी। राइस मैंने बॉईल करके ऑलरेडी से पहले ही रख लिए थे, और 1.5 kg मेरे पास राइस हैं। ओके दोबारा से हम इस पे जो है वेजिटेबल्स की लेयर लगा देंगे। सवाल ये उठता है कि एग फ्रेट राइस हैं और अब तक एग की लेयर नहीं आई, तो राइस ज़्यादा थे इसलिए मैंने सबसे पहले वेजिटेबल की कोटिंग की, अब ऊपर एग की ही आएगी जनाब, क्योंकि एग फ्राइड राइस में एग्स ही होते हैं, वेजिटेबल हल्की हल्की होती है। चलें थोड़ा सा इसे एक बार ग्रीस कर लेंगे विद हेल्प ऑफ ऑयल। इस पे नोर का साशे जो है पाउडर उसमें मैंने करके रखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा कह लें कि 2-3 टेबलस्पून और पिंचेस ऐड किए हैं। तो ये आई लेयर हमारे पास हमारे एग्स की। फिर से राइस लेयर लगाते हैं, और कलर जो है इसमें शेडिंग कलर डालते हैं। माशाल्लाह दाना दाना चावल बने हैं। अच्छा मैं आपको बताना ये चाह रही थी, जब आपने फूड कलर डालना होता है ना लेयर ज़रा थोड़ी सी गाढ़ी रखते हैं, वो क्यों, क्योंकि जब हम कलर डालते हैं तो राइस मैक्सिमम लेयर के होने की वजह से उसको कलर अच्छा मिलता है, नहीं तो वो जो दूसरी हमने लेयर बिछाई होती है ना उसमें जाके उसका कलर चिपक जाता है। अब ये देखें मैंने एक थिक सी लेयर बना ली है, अब मैं इस पर अपने फूड कलर को ऐड कर दूँ। सो यहाँ मैं 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ, 1 is orange and 1 is yellow। दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं ना। अब आप पूछेंगे कि बार बार ग्रीस, ये तो ऑयल ऑयल हो जाएगा, ये हो जाएगा, जी नहीं बिल्कुल हल्का सा हम ग्रीस करें, ग्रीस का मतलब होता है बस इतनी आला खुशबू आ रही है। एक बार दोबारा से हम इस पे नूर का मसाला डाल देंगे, अब इसको दम पे रखते हैं 5 मिनट के लिए, और उसके बाद डिश आउट करते हैं। चले जी माशाल्लाह ये हमारा 5-स्टार चाइनीज़ रेडी हो चुका, और ये देखें ये मैंने इस बार नया डिज़ाइन लिया है, ये मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये मैंने क्या बनाया। ओके अच्छा चले मैं इसके अंदर जो है चीज़ें डाल के आपको बताती हूँ। ये मैंने बनाया था चाउमिन, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये मंचूरियन के साथ बहुत टेस्टी है, ये मैंने हमेशा जो है चाइनीज़ फ्रेंच फ्राइज होटल में हम जब भी जाते हैं ये मेरा स्पेशल खाना है जो मैं ऑर्डर करती हूँ। अमेजिंग।
अच्छा, इसके साथ ये वाइट सॉस है, ये ब्लैक सॉस है, इनकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मार्वेलस, आप बताएंगे कैसा बनाया है? मुझे तो खा कर बहुत मज़ा आ रहा है। चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी बिस्मा के किचन में, बिस्मा के साथ अता टीवी पे। अल्लाह हाफिज़।